आज का दंगल देश में ईवीएम को लेकर चल रही नई सियासत को लेकर है। चुनाव नतीजों के 2 हफ्ते गुजर गए, तब तक ईवीएम पर कोई शोर शराबा नहीं हुआ। अमेरिका के एक कैरेबियाई द्वीप पर हुए स्थानीय चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है, उस पर एलन मस्क अमेरिकी ईवीएम को बंद करने की वकालत करते हैं। तो भारत में एक बार फिर से ईवीएम का जन्म जिंदा होता है और इस विवाद के साथ मुंबई के उत्तर पश्चिमी सीट की मतगणना के दौरान हुई कथित अनियमितता के सवाल पर पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में ले लिया जा रहा है। दरअसल उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार मात्र 48 वोटों से हारे हैं। उनका आरोप है कि गिनती में धांधली हो गई। मिसाल के लिए वो बताते हैं कि एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार का रिश्तेदार मतगणना केंद्र के प्रतिबंधित क्षेत्र में आयोग कर्मी के फोन का इस्तेमाल कर रहा था। उद्धव ठाकरे की पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है और अब उसकी जांच की जा रही है। लेकिन देश में सियासत ईवीएम को बंद कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर हो रही है। इसी चुनाव में विशाल अंतर से जीतने वाले राहुल गांधी ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता रहे हैं, तो यूपी में रिकॉर्ड 37 सीटें जीतने वाले अखिलेश यादव ईवीएम से चुनाव का विरोध कर रहे हैं। हालांकि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह ईवीएम का विरोध तो सीधे नहीं कर रहे, लेकिन वीवीपैट की पर्चियां वोटर को उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। उधर चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि भारत के ईवीएम को बिना फिजिकली अप्रोच किए हैक करना संभव ही नहीं है और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी कहा कि भारत के ईवीएम के प्रोग्राम को छेड़ना या हैक करना संभव नहीं है। अमेरिकी ईवीएम बाहरी स्रोतों से जुड़े हो सकते हैं, भारतीय ईवीएम में ऐसा कुछ नहीं कि उसको हैक किया जा सके। ईवीएम को लेकर चल रही इस इंटरनेशनल बहस के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईवीएम पर सवाल उठाकर भारतीय चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है? क्या सियासी दुविधा के और सुविधा के हिसाब से विपक्षी दल ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते हैं और क्या अमेरिकी ईवीएम को लेकर एलन मस्क की ओर से जताई गई आशंका भारतीय ईवीएम के लिए भी लागू होती है, और अगर हाँ तो क्या चुनाव आयोग को इस आशंका को दूर करने के लिए निर्णायक कदम उठाना होगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश की सियासत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि ईवीएम की 3 कहानियां सियासत की समानांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। एक कहानी मुंबई की है, जहां मुकदमा हुआ है कि उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर पोस्टल बैलेट गिनती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। दूसरी कहानी अमेरिका के कैरेबियाई द्वीप पर ईवीएम में हुई गड़बड़ी पर चल रही अमेरिकी सियासत की है, और तीसरी कहानी चुनाव में हार कर भी जीत का एहसास कर रहे इंडिया गठबंधन के नेताओं की ईवीएम वाली पीड़ा की है। पहले मुंबई की कहानी समझिए। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के रविंद्र वायकर 48 वोट से जीते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर हार गए हैं और उन्हें ये हार पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद मिली। इन्होंने हार को लेकर चुनाव आयोग के सामने आरोपों भरे 3 सवाल उठाए। कहा कि शिंदे के उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट मतगणना केंद्र में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, दूसरे वीवीपैट मशीनों के तकनीकी निरीक्षण नहीं करने दिया गया, और तीसरा रिटर्निंग ऑफिस में भी अनियमितताएं हुई। हारे हुए प्रत्याशी की शिकायतों पर जांच शुरू हुई तो मतगणना केंद्र पर रविंद्र वायकर के रिश्तेदार की ओर से फोन के इस्तेमाल का मामला सामने आया और चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज करा दिया। आयोग ने रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पांडिलकर और डाटा एंट्री ऑपरेटर दिनेश गौरव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इन पर आरोप है कि मतगणना केंद्र में मोबाइल प्रतिबंधित होने के बावजूद इस्तेमाल किया गया। मतगणना केंद्र पर आयोग के उस मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ ओटीपी जनरेट करने के लिए होता है और उस ओटीपी की जरूरत चुनाव आयोग के एनकोर पोर्टल या एप्लीकेशन के लॉगिन के लिए होती है। आयोग की एफआईआर में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, उनके सहकर्मी, अन्य कर्मचारी और एनकोर एंट्री ऑपरेटर का नाम है। जो एफआईआर में लिखा गया है कि किस किस कारण के लिए मोबाइल अलाउ होता है, और ये गौरव जो है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उनका ईटीपीएस से कोई ताल्लुकात नहीं है। गौरव के पास जो मोबाइल था वो इलेक्शन कमीशन का मोबाइल था या उनका खुद का पर्सनल मोबाइल था? नहीं, उनका खुद का मोबाइल था। अब ये जांच शुरू हुई तो कथित तौर पर पुलिस ने मतगणना के दिन की सीसीटीवी फुटेज की मांग कर डाली। सीसीटीवी कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर के सिवा किसी को भी मुहैया नहीं कराया जाएगा। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि मुंबई में विवाद मतगणना केंद्र पर फोन के अवैध इस्तेमाल को लेकर है, जिसका ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है।
ईवीएम का ओटीपी से कोई कनेक्शन नहीं होता। ईवीएम इज अ सेल्फ एक सेल्फ स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम जो है वो पोल डे को पोलिंग एजेंट के सामने बंद किया जाता है, सील किया जाता है, और काउंटिंग डे को काउंटिंग एजेंट के सामने खोला जाता है, तो उसमें कोई ओटीपी का कोई प्रोविजन ही नहीं है। लेकिन जब गिनती के दिन मतगणना केंद्र का एक मामला मुकदमों तक पहुंचा तो राजनीतिक बयानबाजियां ईवीएम को लेकर ही शुरू हो गई। ये गिरे तो भी टांग ऊपर अशातला हा भाग है। अरे तुमच्या एवढ्या जागा जिंकल्या तुम्ही तेव्हा ईवीएम वर संशय घेतला नाही? आम्ही सांगितलं होतं की ईसी म्हणजे इलेक्शन कमिशन नसून एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड। महाराष्ट्र में बयानबाजियां तो अलग चल ही रही थी, इधर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर सवाल उठाने लगे, ईवीएम से चुनाव बंद कराकर बैलेट की वापसी की मांग करने लगे। भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, विदेशी को जवाब दोगे। वाह क्या गुलामी है। ईवीएम पर अब कोई ना कोई सख्त फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और चुनाव आयोग को लेना चाहिए। दुनिया के प्रगत देश, अमेरिका हो, जापान हो, उन सब देशों ने बैलेट पर वोटिंग शुरू की है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं, यही सवाल कांग्रेस का है। हालांकि कपिल सिब्बल जैसे नेता और वकील साफ कह रहे थे कि मुंबई के मुकदमे का ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता का सवाल है, लेकिन विपक्षी दल ईवीएम बैन करने की मांग करते रहे। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वाकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। चुनावी नतीजों में विपक्ष को फायदे और बीजेपी को नुकसान के बाद पीएम मोदी ने ये बयान कर दिया था कि हफ्ते भर के अंदर ईवीएम फिर से जिंदा हो गई। दरअसल इस बार ईवीएम अमेरिकी सियासत की चिंगारी पाकर भड़की है। हुआ ये कि अमेरिका के कैरेबियाई द्वीप प्यूर्टो रिको में स्थानीय चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, पेपर ट्रेल से मिलान हुआ तो गड़बड़ी पकड़ी गई। इसी पर अमेरिका में राष्ट्रपति पद के निर्दलीय उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने लिखा कि प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। इसी पोस्ट पर एलन मस्क ने भी उनका समर्थन किया और ईवीएम को इंसान या एमआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा जताते हुए ईवीएम खत्म करने की मांग की। फिर क्या था, भारत में ईवीएम के खिलाफ चल रही बहस की आग में घी पड़ गया कि पारदर्शिता से जांच हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और शायद पूरी चुनाव प्रक्रिया को स्थगित किया जाए। सवाल है कि हार की खीस का ठीकड़ा किसी मशीन पर नहीं थोपना चाहिए। इधर भारत में चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी तक बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि भारत के ईवीएम अमेरिकी ईवीएम से अलग है और उन्हें हैक करना मुश्किल है। हमारे ईवीएम का में कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई वाईफाई इंटरनेट का कोई प्रावधान नहीं होता है और देयरफॉर हमारे ईवीएम में अंदर घुसने के लिए कोई ट्रैपडोर नहीं मौजूद होता है। तो बाहर से हैक करने का जो प्रावधान यूएस के और वेस्टर्न यूरोप के ईवीएम में होते हैं, हमारे ईवीएम में नहीं है। लेकिन ईवीएम को लेकर जो बहस चुनावी नतीजों के बाद शांत होती दिखी थी वो अमेरिका की एक घटना के बाद फिर सुलगती दिख रही है। आज तक ब्यूरो। जब चुनावी रिजल्ट आए थे उस समय सभी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन ईवीएम का जुन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर आ चुका है। इसी पर चर्चा करेंगे, मेहमानों का परिचय आपसे कर रहा हूं। उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल में जहां पर रेलवे हादसा हुआ है वहां पर केंद्रीय रेल मंत्री पहुंच चुके हैं। ट्रेन हादसे वाली जगह पर रेल मंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आपको बताते चले, ये जगह दार्जिलिंग जिले के रंगापान स्टेशन के पास है और यहां पर रेल मंत्री इस वक्त मौजूद है। 8 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हादसा कैसे हुआ इसको लेकर जांच लगातार जारी है। अलग अलग बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन यकीनन बढ़ते हुए रेल हादसों ने कई सवालों को जन्म दिया है। रेल मंत्री क्या कुछ बोल रहे हैं सुनते हैं। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से इस ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कम्प्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा, अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने आ जाए, उसके बाद में ही कुछ पता चल पाएगा, उससे पहले कुछ भी कहना गलत होगा।
जहां पर हादसा हुआ है वहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, जांच लगातार जारी है और प्राथमिकता इस बात की है कि जितने भी लोग जख्मी हुए हैं जल्द से जल्द उनका सही उपचार हो सके। जैसे और जानकारी निकलकर सामने आएगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। और अब रुख कर लेते हैं दंगल में आज की उस बड़ी बहस का जिसको लेकर चर्चा जोरों पर है, ईवीएम को क्या हैक किया जा सकता है। अमेरिका में चुनाव को लेकर इस तरह के सवाल उठे तो विपक्षी दलों ने यहां पर भी यानी कि अपने देश में भी सुर में सुर मिला लिए। कई हमारे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शिवम त्यागी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी स्पोक्स पर्सन शिवसेना उद्धव गुट के हमारे साथ मौजूद हैं। मनीषा कायंदे जी आप स्पोक्स पर्सन शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश गुप्ता जी एमएलए स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अमीन साहब आप फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शिवम त्यागी जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, विपक्षी दलों की ओर से पूछा जा रहा है ये इतनी मोहब्बत इनको ईवीएम से क्यों है, अगर ईवीएम को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं तो चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि वो स्पष्ट करे कि अगर इतने सारे सवाल लोगों के मन में हैं तो फिर उसके जवाब क्या हैं। लेकिन बीजेपी खड़ी हो जाती है इसके पीछे, अखिलेश यादव खासतौर से ये सवाल खड़े कर रहे हैं। शिवम जी बिल्कुल, चित्रा जी मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने बारंबार टाइम एंड अगेन जो है क्लैरिफाई किया है, और तो और हमारे देश में कुछ पेचकस बाबू नेता भी थे जो विधानसभा में झूठा ईवीएम जो है मैलफंक्शन करके खराब करके हैक करके वो तरकीब बता देते थे। इलेक्शन कमीशन वालों ने कहा कि आइए जरा आकर उसको हमें हैक करके बता दीजिए, एक नहीं पहुंचा, क्लैरिफिकेशन दी उन्होंने। और जो अभी करंट केस है इसके विषय में भी अगर बात करें तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, कपिल सिब्बल ने खुद ही कहा था कि इसका कुछ लेना देना ईवीएम से नहीं है। एक इतना बड़ा आर्टिकल, इतना बड़ा फर्जी आर्टिकल एक पेपर ने प्रिंट किया जिस पेपर को शायद गिनती के मुंबई में 20 लोग ना पढ़ते हो, वो फर्जी आर्टिकल प्रिंट करने के बाद इस आर्टिकल को उठाते हैं इस देश के मुख्य नेता यूके रिटर्न राहुल गांधी और ऑस्ट्रेलिया रिटर्न अखिलेश यादव, दोनों लिखकर जो है उसको ट्विटर पर डालते हैं और कहते हैं कि ये ईवीएम जो है ये ब्लैक बॉक्स है और तमाम तरह की चीजें करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इलेक्शन कमीशन को जब कंप्लेन मिली कि पर्टिकुलर एक बूथ पर कोई दिक्कत हुई है तो खुद इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेन करी, कंप्लेन करने के बाद उस कंप्लेन में दर्ज उन्होंने लिखित तौर पर दिया कि वहां पर जो है जो एजेंट है उनके पास जो वाइकर फैमिली वो रिश्तेदार हैं वाइकर के उनके पास एक फोन है जिसमें जो है एनकोर स्टोरेज का ओटीपी आता है, उस संबंध में जो है वो फोन जो है कॉम्प्रोमाइज हुआ यानी कि मिसकंडक्ट हुआ। चित्रा त्रिपाठी जी ने आज तक पर बैठकर कोई काम किया या किसी भी फॉर दैट मैटर एम्प्लॉई ने कोई काम किया और उसमें गलती से कोई मिसकंडक्ट हुआ तो मतलब क्या आज तक की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई? मतलब उनके उनकी जो सारे संस्था है उसको आप एकदम से डिस्क्रेडिट कर देंगे या फिर ये कह देंगे कि नहीं नहीं वो तो बिल्कुल खत्म है, ब्लैक बॉक्स है, नहीं कह सकते। राहुल गांधी कहते हैं कि जो ईवीएम है वो ब्लैक बॉक्स है, नहीं ब्लैक बॉक्स नहीं है, ब्लैक स्पॉट आप है इस देश में लोकतंत्र में। मैं मानता हूं कि लगातार टाइम एंड अगेन ईवीएम पर क्लैरिटी दी गई है, कहा गया है और कल भी और आज। तो मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, इसी अखबार ने आज एक छोटी सी माफी छापी है। इतना बड़ा उनका आर्टिकल था और आर्टिकल में जो है उसके बाद उन्होंने एक माफी छापी है बहुत छोटी सी, और माफी में वो क्या लिखते हैं मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूं। उन्होंने लिखा है कि अनजाने में गलती से यह उल्लेख किया गया, आरोपी अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके ओटीपी उत्पन्न किया, ईवीएम हैक, त्रुटि के लिए खेद व्यक्त किया। अब अगर न्यूज चैनल यानी कि अखबार ने अगर माफी मांग ली है तो क्या ये जो ऑस्ट्रेलिया रिटर्न और यूके रिटर्न है ये माफी मांगेंगे? मुझे इस बात की प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने लिख दिया। इस पार्टियों की 10 सेकंड और दे दीजिए, पार्टियों की मीडिया सेल इस तरीके के जो ट्वीट होते हैं उनका स्क्रीनशॉट करके लोगों में भेजते हैं। तमिलनाडु में गांव में बैठी हुई कोई महिला 70 साल की वृद्ध जिन्होंने शायद वोट दिया होगा, नॉर्थ ईस्ट में बैठी हुई कोई हमारी बेटी बहन जिसने वोट दिया होगा, 64 करोड़ वो लोग जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र में आस्था रखी, आपने 2 मिनट में एक फर्जी रिपोर्ट पर फर्जी ट्वीट करके देश को झूठा साबित कर दिया। मैं जवाब ले लेती हूँ, जो विरोधी दलों के जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ। आनंद दुबे जी सीधे आपके पास आते हुए, 2 सवाल हैं। एक तो मुंबई की उस सीट को लेकर जहां पर उद्धव ठाकरे यानी कि आपकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, इसमें क्या है? मतलब वो फोन पर लगातार संपर्क करने का ओटीपी का मामला है या ईवीएम हैक कर लिया गया, आप लोगों की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और आनंद दुबे जी, इस देश के जितने भी बड़े राज्य हैं,
चाहे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी पार्टी यूपी की कौन बनी, अखिलेश यादव की 37 सीटों के साथ। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फायदा किसके हुआ, कांग्रेस पार्टी को जो पिछले बार चौथे नंबर पर थी। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, ममता बनर्जी को जो सबसे बड़ी पार्टी बनी 42 में से 31 सीटें जीतकर। उसके बावजूद आप लोग ईवीएम का रोना अगर रोएंगे तो जिन मतदाताओं ने इतनी गर्मी में जाकर लाइनों में खड़े होकर अपने शरीर को वहां पर कष्ट देकर बीमार होकर वहां पर जाकर ईवीएम का बटन दबाया है, क्या सबके भरोसे को आप नहीं तोड़ रहे हैं आनंद दुबे जी? जीत तो ज्यादातर जगहों पर आप महाराष्ट्र में तो जीत आप ही लोगों की ज्यादा हुई है, बीजेपी का हाल देखिए क्या हो गया, लेकिन उसके बावजूद ईवीएम पर सवाल खड़े करने हैं, क्या ये भ्रम फैलाना नहीं हो गया विपक्ष का? चित्रा जी नमस्ते, एक बहुत पुरानी कहावत है, तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता तूने हमारे कारवों को क्यों लूटा। बात पूरे भारत देश की नहीं हो रही है, बात हो रही है एक विशेष सीट की जिसका नाम है उत्तर पश्चिम लोकसभा। वहां से एक कैंडिडेट अमोल भैया कीर्तिकर दोपहर तक जीत जाते हैं 2200 से ज्यादा वोटों से। जब वो कहते हैं कि हमें हमारा सर्टिफिकेट दिया जाए, हमें विन घोषित किया जाए, आनंद फानंद में समय पास किया जाता है। वहां की जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जिनका नाम है वंदना सूर्यवंशी, उनकी पूरी भूमिका संशय में आती है। पूरे दुनिया को मालूम है कि पोस्टल वोटिंग या इसकी जो काउंटिंग होती है यह सुबह 8 बजे होती है, इसके बाद ईवीएम होती है। लेकिन पूरे भारत में हमारी कैसी सीट है जहां पे पोस्टल काउंटिंग दोपहर के बाद हो रही है, उसमें दिखाया जा रहा है कि रविंद्र वाइकर जीत गए। जिस प्रकार सीसीटीवी फुटेज विपक्ष मांग रहा है वो देने तैयार नहीं है। जिस प्रकार जीते हुए कैंडिडेट के रिश्तेदार मंगेश फंडिलकर संशय इसमें आए हैं, उनके ऊपर जांच चल रही है। मतलब कुल मिला जुलाकर अगर ये 4,000, 1,00,000, 10,00,000 वोटों के अंतर से जीत हार हुई होती हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। मात्र 48 वोट से किसी को जानबूझकर आपने हरवा दिया। 4 जून का मामला था, आज हम 17 जून में बैठे हैं, 11, 12, 13 दिन लग जा रहे हैं उसकी जांच की शुरुआत करने में। सरकार आपकी है तो क्या मनमानी करोगे? अरे चुनाव आयोग को तो पहले भी चंडीगढ़ मामले में फटकार लग चुकी है ना, कि क्या विदेशी लोग आए थे? इसी भारत का न्यायालय उनको फटकार लगाया और वो जो अनिल मसीह थे उनको डांट पड़ी, उनको पता नहीं अब सजा कब होगी मैं नहीं जानता। लेकिन जिस प्रकार 8 वोट को उन्होंने इनवैलिड किया था और भारतीय जनता पार्टी के ईवीएम से क्या लेना देना, इसका ईवीएम से क्या लेना देना की नहीं हो। हाँ आनंद दुबे जी, दो मामले हैं, मैं एक बार क्लियर कर दूं। नहीं, आप मुझे पहले बोलने दीजिए आनंद दुबे जी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक मुंबई का मामला है जहां पर आप लोगों को 48 मतों से हार का सामना करना पड़ा। एक ईवीएम को लेकर चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आपके नेता हो, वो इलेक्शन कमीशन को लेकर आनंद दुबे जी किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम उठाकर देख लें अखिलेश यादव हो, आपके जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, मामला दो अलग अलग है। ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो भी तब जब आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर अलग अलग राज्यों में उभरे हैं। ईवीएम को लेकर भी सवाल है और उस फोन को लेकर भी सवाल है जिसकी बात आप कर रहे हैं आनंद जी। जब शिवम बात कर रहे थे तो आप एकदम शांति से सुनती हैं। अरे आनंद दुबे जी प्लीज, आनंद दुबे जी नहीं प्लीज, मैं बिल्कुल नहीं सर, इस तरह की गलत बयानी नहीं आनंद दुबे जी, आपको जवाब नहीं देना है तो अलग बात है। मनीषा का इंद्रजीत आपके पास आते हैं, दो सवाल नहीं, ये तो तरीका ठीक नहीं है आनंद दुबे जी, ये तो तरीका ठीक नहीं है आनंद दुबे जी। सर इतना रोना अच्छा नहीं लगता है, इतना रोना सर लाइव डिबेट, हमारी बात नहीं सुनेंगी आप, हमारी बात नहीं सुनेंगी चित्रा जी, अन्याय हम पे हुआ है और आप पहले बोलने का मौका बीजेपी को देती हैं, ये कैसा न्याय है भाई? ऐसे न्याय की उम्मीद नहीं है। अरे आरोप उन्हीं पर है शिवम त्यागी पर, तो जिसके ऊपर आरोप लगे उसी से सवाल पूछूंगी, या फिर मैं जिसके ऊपर आरोप नहीं है उससे सवाल पूछूंगी। आनंद दुबे जी प्लीज, ये एंकर को सवाल बताना आप लोग छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल गलत बात है, मैं इस पर आपत्ति जाहिर करती हूँ। बोलिए आप 10 सेकंड आनंद दुबे जी, लेकिन प्लीज ये रोना छोड़ दीजिए, इलेक्शन बीत चुका है, मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए, मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए। जब मंगेश पंडिलकर का मोबाइल वहां पकड़ा गया, उसके ऊपर ओटीपी की बात आ रही है, मशीन के साथ ईवीएम के साथ वो जुड़ा था, उसमें ऐप की कोई जानकारी है, यह बात अगर खुल के आई है, और ये हमने नहीं कहा है, ये एक वहां के निर्दलीय उम्मीदवार जिनका नाम है भरत भाई शाह, उन्होंने लिखित कंप्लेंट की है। अगर अमोल भैया ने की होती तो आप ये कह सकते थे कि भाई हार गए हैं इसके लिए जानबूझकर ठीकरा फोड़ रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। भरत भाई शाह ने एक लिखित कंप्लेंट चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ
पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है जिसकी जांच चल रही है। तो ईवीएम एक मशीन है, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो मशीन होता है उससे छेड़छाड़ आप कर सकते हैं। कभी कभी घर का अगर टीवी रिमोट भी काम नहीं करता, चार बार उसको ऐसे ऐसे ठोको तो रिमोट कंट्रोल भी काम करने पड़ता है। पुलिस केस क्यों नहीं किया आनंद दुबे जी आपने? किया है, 14 दिन बीत गए, आज 17 जून को हम बैठे हैं। पुलिस किसके अधीन आती है? पुलिस केस आप लोगों ने नहीं किया, मुझे लग रहा है प्रियंका चतुर्वेदी की बाइट सुनाइए इनको, पहले शायद इनको जानकारी नहीं है, आप ही के राज्यसभा सांसद है, आप सुनाइए, आप लोगों ने नहीं किया है, आप पहले बाइट सुनाइए उसके बाद। मेरे से क्या होता है? अरे मैं सवाल लेकर आ रही हूँ, आपके राज्यसभा निर्दलीय विधायक पर मत जाइए, आपने क्या किया वो बड़ा सवाल है ना, बड़ी पार्टी आप हैं। प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा की सांसद उद्धव गुट की क्या बोल रही है एक बार सुनते हैं। हमने एज ए यूनाइटेड ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन को पहले भी, चुनाव से पहले भी लिखा था, पर इलेक्शन कमीशन ने ना हमें समय दिया ना हमारी बात को सुना, और उन्होंने 4 लाइन की शायरी जरूर सुना दी थी, सस्पेशन क्लियर नहीं किया। अब जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट में हुआ है, और कल इलॉन मस्क ने जो ट्वीट किया, इलॉन मस्क ट्वीट कर रहे थे पोर्टो रिको को लेकर के इलेक्ट्रिक मशीन नहीं होनी चाहिए, वोटिंग मशीन लेकिन भी हैक, छोटी मोटी कोई भी AI से हो, ह्यूमन एंट्री से हो, ये उसको मुद्दा किसने बनाया? राजीव चंद्रशेखर जी जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इलेक्शन कमीशन से पहले वो जवाब दे रहे हैं, उनको भी इलॉन मस्क ने कहा कोई भी मशीन हो, फलाना ढिमका, नो ब्लूटूथ, नो इंटरनेट, नो डेटा, सब कुछ, वो भी हैक हो सकती है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, तो वही राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वही हमारी पार्टी कह रही है, वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसको फ्री एंड फेयर रहना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी को आपने सुना, मुझे लग रहा है वो वाली बाइट भी निकाली है जिसमें शिवसेना उद्धव गुट की ओर से यहां पर पुलिस में वो नहीं करवाया गया है, पुलिस में शिकायत नहीं करवाई गई है, एक निर्दलीय उम्मीदवार की ओर से शिकायत कराई गई है। सवाल बड़ा ये नहीं, आप आनंद दुबे जी, इंसान की बात, इंसान तो आप भी हैं, इंसान तो मैं भी हूं, इंसानों की बात नहीं हो रही है ना, बात पार्टियों की हो रही है, बात ईवीएम को लेकर हो रही है, बात उस फोन कॉल को लेकर हो रही है जिस पर आप लोग कोर्ट जाइए, आप लोग पुलिस में जाइए, जा रहे हम लोग जाएंगे, अरे जाएंगे और जा रहे हैं, इतने आप ही तो इतना दिन हो गया अभी तक नहीं गए और फिर बेवजह आप नाराज हो रहे हैं। मनीषा कायंदी जी, अब आपके पास आते हुए, लेकिन फोन लेकर वहां पर अगर किसी और का फोन इस्तेमाल किया जाएगा एक उम्मीदवार के प्रतिनिधि की ओर से, तो सवाल पूछे जाएंगे ना, और ये भी सवाल पूछे जाएंगे कि वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसको मुहैया कराए जाने की बात अगर विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है तो फुटेज क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? पारदर्शिता तो होनी चाहिए ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आनंद दुबे के अनाड़ीपन को देख रही हूं कि अगर हमारा टीवी का रिमोट नहीं चलता है तो हम उसको झटकते हैं 4-5 बार ताकि वो चले। उसमें सेल का कनेक्शन होता है, बैटरी होती है, मगर सारी उद्धव ठाकरे की पार्टी, इनके सबसे तेज तर्रार नेता आदित्य ठाकरे, कभी हैकेथॉन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कभी इनके इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम या इनकी आईटी की टीम या कोई ऐसे बहुत सारे लोग उनके पास होंगे, सरकार में थे, तो क्या कभी उन्होंने हैकेथॉन में किसी लोगों को भेजा, किसी आईआईटी के बच्चे को भेजा अपनी तरफ से? नहीं, क्योंकि व्हेन यू कैन नॉट कन्विंस यू हैव टू कन्फ्यूज द पीपल, ये इनका तरीका है। और ये जो अभी छाती पीट पीट कर बात कर रहे हैं, तो इनको ये समझना चाहिए, जब इलॉन मस्क की बातें कर रही, कौन है इलॉन मस्क? हाँ, और दूसरी बात है, उनका वो चैट जीटीपी है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि ईवीएम के नॉट बी हैक्ड। तो ऐसे ये बवाल खड़ा करना चाहते हैं, ये इनका दुखड़ा रोना चाहते हैं, क्योंकि ये दुखी लोग हैं और ये फ्रस्ट्रेटेड है, और ये बार बार ईवीएम, जब राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है, जब अखिलेश यादव जीतते हैं तो ठीक है, अब किसी इलॉन मस्क कोई भगवान नहीं है कि उसने जो कह दिया वो सारा सही है। तो ये सारा जो काम है, झूठ की फैक्ट्री, इनकी बंद करनी चाहिए, सामना ने माफी मांगनी चाहिए, संजय राउत ने इस्तीफा देना चाहिए, इनके रजिस्ट्रेशन सामना का बंद होना चाहिए, जैसे मिड्डे ने माफी मांगी है तो इन सारे लोगों ने माफी मांगनी चाहिए। मैंने ये लोगों को बेवकूफ बना रहे कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो अगर विपक्षी नेताओं की ओर से मांगा जा रहा है तो मुहैया कराने में क्या दिक्कत है? मनीषा कायंदी जी, मैंने ये सवाल पूछा था आपसे। देखिए, वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि हम कोई प्रॉपर कोर्ट जिसके पास ये ज्यूरिसडिक्शन है, ऐसा अगर कोई हमें कहते हैं तो हम इसको दे देंगे। इसके हर एक चीज का कोई तरीका होता है, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स।
मगर इनको सिर्फ अपनी छाती पीटनी है और एक हवा खड़ा करना है इस देश में। करोड़ों लोगों ने आज वोटिंग किया है। अच्छा अगर पूरा सेटिंग करना होता तो 400 पार हमारा नारा था, 400 ईवीएम 400 जगह हम सेटिंग करते थे। और ये बात है पोस्टल वोट की काउंटिंग की है, जिस मोबाइल और ओटीपी की ये बात कर रहे हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है, हम भी कहते हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है इनको एक देश मुंबई मामले की जांच के लिए तीन टीमें भी बनाई गई हैं। उम्मीद है कि जो भी सच हो वो सामने आए। बोगस ऑफिसर को इन्होंने फिर से राजेश गुप्ता जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ पूर्व संयुक्त निदेशक इसी के इस वक्त जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनसे मैं जवाब ले लेती हूं, क्योंकि ये जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो चुनाव आयोग की संपत्ति हैं। ऐसे में मोहम्मद अमीन साहब मेरा सीधा से सवाल है, अगर इतने सारे सवाल विपक्षी दलों की ओर से खड़े किए जा रहे हैं तो उसका जवाब देना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही दायित्व है ना, फिर यहां पर क्या कंफ्यूजन की स्थिति देख रही, क्योंकि बार बार विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है एक ऐसी स्थिति बन रही है कि शायद चुनाव आयोग उनके सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहा है जो विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं। देखिए चित्रा जी, जहां तक सवाल है इनका, जब इलेक्शन शुरू हुआ और इलेक्शन खत्म हुआ तब तक ये बीच बीच पे यही तरह की चिल्लाते रहे कि इसमें ईवीएम का ये प्रॉब्लम है, ईवीएम हैक हो जाएगी, ये हो जाएगी। मैं इनको सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे तब ममता जी ने भी यही कहा था, उसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी यही कहा गया। यही इसी तरह की बातें बार बार ईवीएम के बारे में की जाती है। इसका देखिए प्रेशर ये लोग बनाना चाहते हैं, मेंटल प्रेशर इसलिए बनाना चाहते हैं कि इसको दोबारा जो है इलेक्शन कमीशन बैलेट वोटर कर दे। बैलेट में क्या होता है कि ये लोग बेईमानी कर लेते हैं, आधे घंटा भी अगर इनको मिल गया तो ये उस पर छापते हैं, छापने के बाद आधे घंटे के अंदर 1000 से 2000 वोट डब्बे में डाल सकते हैं। लेकिन ये ईवीएम है, ये ईवीएम इनके द्वारा अप्रूव की गई है सारे स्टेक होल्डर के द्वारा, जितने देश की पार्टियां हैं वो स्टेक होल्डर होते हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने अप्रूव किया है, देखा है और जानने के बाद ये लागू की गई है। तो इसमें क्या है कि ये 17 सेकंड का गेम है, जब हमारा प्रोसाइडिंग अफसर बटन दबाएगा जब मशीन का तब वो जाके वहां पे ईवीएम खुलेगी, और ईवीएम खुलने के बाद जब बटन दबा दिया जाता है तो वोट कास्ट हो गया, उसके बाद अगर वो भी चाहे तो नहीं दबता है। और इसके सब सारा प्रक्रिया जो है इन सारे पोलिंग एजेंट्स और काउंटिंग एजेंट के सामने होता है, ऐसा नहीं है इस तरह की बातें करना गलत बात है। जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का तो इनकी जो भी चीजें हैं वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को अगर वो ऑफिशियली रिक्वेस्ट देते हैं तो उस पर कमीशन जो है इनको ऑर्डर करता है कि आप दे दीजिए। लेकिन बिला वजह का एलन मस्क कौन है मुझे जवाब दीजिए आप, इलेक्शन क्या हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारी गवर्नमेंट है? वो एलन मस्क है क्या? वो एक प्राइवेट आदमी है और अमरीका के बारे में बात करते हैं। हमारे देश की जो मशीनें बनाई गई हैं जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर, मैंने पहले भी कहा है आपके चैनल पे भी और दूसरे चैनल पे भी, ये जो मशीनें हैं ये कैलकुलेटर की तरह हैं। कैलकुलेटर बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी निकाल दीजिए काम नहीं करती है। दूसरी बात ये जब 1+1 दो ही होगा, 1+1 11 नहीं होता है। ये देश को बहकाने की बात है, वोटरों को गुमराह करने की बात है, ये चीजें गलत है। इलेक्शन कमीशन के वही सर्टिफिकेट पे आज ममता जी चीफ मिनिस्टर वहां बनी हुई है और ये अखिलेश जी जीत के आए, ये हमारे राहुल साहब भी दो जगह से जीत के आए, साउथ और नॉर्थ में रायबरेली और वायनाड से। ये सब क्या है? आज उनकी जो जनसंख्या है 243 है और 293 उनकी ही है। अगर ऐसे ही बेईमानी की बात होती तो मैं कहता हूं कि बेईमानी का जिताना होता तो 400 के पार बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर, तो 400 के पार हो जाते। आज उनको क्या प्रॉब्लम है? आज क्राइसिस बीजेपी के पास है, जो आप अभी कह रही थी चित्रा जी। इस तरह की बातें करना देश को बहकाना है। और एलन मस्क है कौन मैं ये जानना चाहता हूँ, उनकी अथॉरिटी से हमारे देश में वो चाहते हैं हमारे माहौल को बिगाड़ना। हमारे देश के अंदर हमेशा ईमानदारी थी, सच्चाई थी और संवैधानिक संस्था है, अभी तक चुनाव हुए बड़े आराम से हुए। और सभी लोग अगर हम अलहदा कर भी दें, जिन्हें निकाल राहुल गांधी अखिलेश यादव तमाम विपक्षी पार्टियां सबकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर खासतौर से क्षेत्रीय पार्टियों की मैं बात करूं तो उन लोगों की अच्छा परफॉर्म किया गया है। वजह क्या समझ में आती है इसके पीछे, क्योंकि पूरी की पूरी 543 लोकसभा सीटों पर साल 2004 से ही, अगर मैं सही कहीं भी गलत होंगी प्लीज आप मुझे कर कीजिएगा, 2004 से ही ईवीएम से मतदान कराए जा रहे हैं और 2000 साल ये वो वक्त था जब इंडिया शाइनिंग का नारा था और अटल बिहारी वाजपेयी बुरी तरह से हार गए थे और यहां पर यूपीए की सरकार बनी थी।
अभी तक पूरी की पूरी 543 सीटों पर 5 बार चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 2 बार यूपीए और 3 बार एनडीए की सरकार बनी है। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर इतने ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या वजह समझ में आती है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम लोगों की ओर से देखिए चित्रा जी, इनकी दादी के ऊपर भी इल्जाम लगा था, जबकि उन्होंने कोई रशिया से इंक मनाई है और वो जो है इंक उड़ जाती है और जो वोटर डालता है वो टूट जाता है और वो उनका हाथ का निशान आ जाता है। इस तरह की बातें कहना गलत है। ये चीफ मिनिस्टर थे जिम्मेदारी पोस्ट पे, अखिलेश जी आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अपोजिशन लीडर थे, इन लोगों को सोच के बात करनी चाहिए। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, इनके यहाँ तो खानदान में चला रहा है इलेक्शन और इनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर बने हैं बार बार। इस तरह की बातें करना, सिर्फ देश को गुमराह करना, ये सत्ता के लोलुप यानी सत्ता के भूखे हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की आदत है। ये इस तरह की बातें ठीक नहीं है। वही संवैधानिक संस्था है जिसने इनको सर्टिफिकेट दिया है, हमारे रिटर्निंग अफसर ने साइन करके इनको दिया है, वो लेके पार्लियामेंट में जाएंगे और उसका नोटिफिकेशन होता है राष्ट्रपति से और जब ये कन्वीन होगा। लेकिन ये चीजें गलत है, बिला वजह का हुआ बनाना देश के अंदर सबको खराब करने की बात है माहौल को। और ये कहना कि इलेक्शन कमीशन बदनाम है और अपोजिशन लीडरों को ये कहना कि ये सत्ता से मिले हुए, कभी नहीं होता। इलेक्शन एक जगह नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। कहां कहां मैनेज करेंगे आप, करके दिखाइए मैनेज। अखिलेश जी से पूछिए, उनकी सरकार बनी थी, चीफ मिनिस्टर बने थे, बिल्कुल। इससे पूछिए कि 2004 में आए, 2009 तक रहे, क्या है उससे पहले भी थे? गलत बात है, गलत बात। ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं। और राजेश गुप्ता जी, सीधे आपके पास आते हुए, आम आदमी पार्टी 2012 में बनी, 2013 में पहला इलेक्शन जीतती है, फिर जीतती है, फिर जीतती है और हमेशा बड़े मार्जिन से जीतती है। राजेश गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी को यह शोभा देता है क्या कि जिस ईवीएम से प्रचंड बहुमत वो विधानसभा में लेकर आती है, अगर लोकसभा में उसका खाता नहीं खुलता है तो उसी ईवीएम को लेकर कटघरे में खड़ा कर देती है सभी को, यह तरीका ठीक है क्या राजेश गुप्ता जी? देखिए चित्रा जी, वैसे तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ एसी वैसी नहीं है, बड़ी गर्मी लग रही है और बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग इस बात पे बिल्कुल ध्यान दे नहीं पा रहे कि ईवीएम पे सबसे पहले सवाल उठाया किसने था। हमारी पार्टी तो तब थी भी नहीं, बीजेपी के ही जीवीएल नरसिम्हा जी थे जिन्होंने किताब लिखी डेमोक्रेसी इन डेंजर, मैंने तो नहीं लिखी, मेरी पार्टी ने तो कुछ नहीं बोला उसके ऊपर। खुद आडवाणी जी कहते थे जब तक ईवीएम रहेगी तब तक कांग्रेस जीतती रहेगी, मैंने तो नहीं कहा, मेरी पार्टी तो नहीं थी उस वक्त, ये लोग ही शोर मचा रहे थे। उसके बाद में जब आप चुनावों के अंदर देखते हैं, आप वीवीपैट क्यों लेके आए, जब इतनी सिक्योर है आप वीवीपैट भी लेके आ रहे हैं। आप खुद जानते हैं कि कोई और चुनाव चिन्ह दबाया और कई बार हुआ कि फिर भी कमल का ही पर्ची निकल रही वीवीपैट के अंदर, फिर उसे आप ठीक करते हैं। ये हम तो नहीं कर रहे, आप ही के मीडिया के पर, आप ही के चैनल पे मैंने देखा है, खूब व्हाट्सएप के पर आता है। तो जो भाजपा सबसे पहले आरोप लगाती थी वीवीपैट के ऊपर, आज क्योंकि वो सत्ता में है तो कहती है सब ठीक है। अब ये तो बड़ी अजीब बात है। देखिए मेरा ये कहना है कि इलॉन मस्क ने जो कहा या जो कैनेडी जूनियर ने जो कहा, मैं उसके ऊपर तो क्या जाऊं, सारी दुनिया देख रही है, वो लोग टेक्नोलॉजी के पायनियर है, वो बता रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है। मेरा कहना है कि एक मजबूत विपक्ष होने के नाते इस देश की विपक्षी पार्टियों को ये अधिकार है कि देश की जनता के अंदर दिमाग में जो चल रहा है कि शायद इन मशीनों में कोई गड़बड़ नहीं है, तो इसके ऊपर जांच करनी चाहिए। सवाल शुरू में खड़े किया था उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया, जो भी विपक्ष में रहता है। देखिए लालकेश आडवाणी ने या फिर जीवीएल नरसिम्हा ने कब सवाल खड़े किए थे, जब वो विपक्ष में थे, तो जो भी विपक्ष में रहता है वो ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर देता है। ये बात तो बिल्कुल सही, आपने अपने ही सवाल में इसका जवाब भी दे दिया। अब आप भी विपक्ष में हैं तो ईवीएम को कटघरे में खड़ा करेंगे, लेकिन हमारा ये दायित्व है कि जो मैं आप ही से ये सवाल कर रही हूं राजेश गुप्ता जी, जो सबसे आखिर में समय दिया आपने, इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी विपक्ष में रहे उसने भी किया, आप लोग विपक्ष में हैं क्या आप लोग भी नहीं कर रहे हैं? दोनों को ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई, मैं आ रही हूँ अमीन साहब, मैं फौरन एक बार इनकी बात पूरी हो जाए राजेश गुप्ता जी की। चित्रा जी देखिए, मैं इसी ईवीएम से 2 बार विधायक बना हूँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन देश की जनता के मन में एक सवाल है, उसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन दे देगा। और देखिए अभी जो सर अभी बोल रहे थे, शायद अमीन साहब थे, वो कह रहे थे कि नहीं जी बैलेट बॉक्स में चोरी हो जाएगी, तो क्या मैं कहूं कि ये देश की पुलिस के ऊपर और जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है उन पर सवाल उठा रहे हैं, वो वहां पर क्या झक मार रही होती है कि चोरी कर लेगा विपक्ष के नेता वहां पर बैठकर? तो ये अपने मन के अनकिन की बात है, इन्होंने एक बात को रख दिया, हमने इनकी बात को सुना। ऐसे ही विपक्ष के लोग कुछ बात को कह रहे हैं, उसमें इतने बौखलाहट क्यों है कि हमने तो देश के ऊपर सवाल उठा दिए, हमने तो देश की, हमने बस एक देश की जनता का सवाल है, विपक्ष का काम है, हमने उस सवाल को उठाया। और जो सत्ता में पार्टी है, जो इलेक्शन कमीशन है, उसका काम है वो उसको वीवीपैट को 100% कर दे, बात को खत्म करें।
मैं वोट डालू, मेरे पास पर्ची आ जाए, मुझे संतुष्टि हो जाएगी, आपको भी हो जाएगी, क्या आपको नहीं लगता? हो सकता है ना, मेरा कहना 100% ये कह देना कि क्लीन चिट, ये कैसे संभव है? कोई भी टेक्नोलॉजी फुल प्रूवन नहीं होती, चाहे वो एप्पल का फोन हो चाहे वो ईवीएम हो, ये कोई संभावना नहीं है कि हर चीज 100% प्रूवन हो। तो प्रूवन करने के लिए जरूरी है कि वीवीपैट कर दिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का जो सवाल है वो इतना ही है कि हमारी जनता का एक सवाल है, उसका हल इलेक्शन कमीशन दे, सत्ता में बैठी पार्टी दे, बस इतनी सी बात है। इसमें कोई गुस्सा होने वाली बात, देश के चुनावों पर सवाल उठाने वाली बात, देश की डेमोक्रेसी पर सवाल उठाने वाली बात नहीं है। अरे आपने अपने ही संजय जी का पढ़ा होता ट्वीट, तो फिर मैं आ रही हूँ उस पर। मुझे लग रहा है मोहम्मद अमीन साहब आप जवाब दे दीजिए पहले इस पर, क्या हुआ मोहम्मद अमीन साहब, 100% वीवीपैट क्यों नहीं करवा देता है चुनाव आयोग जब इतने ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं? तो चित्रा जी अब बिल्कुल बात समझ में निकल के आई है। इन लोगों ने पिटीशन भी दिया था सुप्रीम कोर्ट में, वो भी पेंडिंग है, ये चाह रहे थे 100% किया जाए, लेकिन टेक्निकल बात ये थी कि ये स्लिप जो है वो बहुत चिकनी स्लिप है और गिनने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो 2-4 सैंपल के तौर पे जैसे इलेक्शन कंडक्ट होता है तब ईवीएम को दिखा दिया जाता है स्टेक होल्डर्स को, जो उनके एजेंट्स होते हैं। तो इसी तरीके से अभी तक ये होता रहा है, कई बार ये बात उठी है, तो ये 100% चाहते हैं, तो 100% के लिए फिर होगा, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा हुआ है, अगर कहेंगे तो दूसरा पेपर यूज होगा उसके लिए, फिर दूसरा पेपर यूज होगा, ये चिकना पेपर नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत टाइम लगता है और ये स्लिप होता है, ये इनको सबको मालूम है, ऐसा नहीं ये सिर्फ हवा इसीलिए हो रहा है कि ये बैलेट की बात करेंगे तो फिर ये 100% की काउंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को कोई प्रॉब्लम कभी नहीं थी, ना है होगी, सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो फिर दूसरा पेपर उसका यूज होगा, जो टेक्निकल बात है और कोई बात नहीं उसमें। देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा था मुझे लग रहा है, एक बार मैं जल्दी से उसको पढ़ देती हूँ राजेश गुप्ता और बाकी लोगों की जानकारी के लिए भी, उसके बाद मैं आ रही हूँ। बूथ कैप्चरिंग का दौर क्या आपको याद है, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के आलोचकों को नसीहत दी थी और उन्होंने कहा था बैलेट पेपर को लेकर, ये बात उनकी ओर से कही गई थी अप्रैल 16, 2024 की मैं जानकारी आपको दे रही हूं। ईवीएम की आलोचना करने वालों की उन्होंने निंदा की सुप्रीम कोर्ट ने, देश में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है, ऐसे में हमें सिस्टम को पीछे की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में उस समय का भी जिक्र किया जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, मतपेटियां लूट ली जाती थी। राजेश गुप्ता जी आपने जो टिप्पणी की थी उसी पर यह जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ एडीआर द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उस समय उनकी ओर से यह टिप्पणी की गई थी और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि देश में चुनाव कराना बहुत बड़ी चुनौती है, जितनी हमारी जनसंख्या है इसको आप यूरोपीय देशों से तुलना नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी बातें आप कहेंगे तो मैं आगे पढ़ दूंगी। राजेश गुप्ता जी ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत भी अपनी टिप्पणी दे चुकी है। हाँ वीवीपैट, लेकिन संजय जी ने क्या मनीषा कहेंगे वीवीपैट के लिए कहा, वीवीपैट में क्या दिक्कत है, वीवीपैट कर दीजिए 100%। हाँ ठीक है, वीवीपैट को लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मोहम्मद अमीन जी ने कहा है वो चिकना पेपर होता है, पेपर चेंज किया जाना होगा। मनीषा कायंदी जी आप हाथ उठा रही थी बार बार अपनी बात के, उसके बाद शुभम जी ये तो जब आप इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, जब हम वोट करते हैं, जब हम वोट करते हैं तो हमको दिखता भी है ना, आज तक बताइए इतने करोड़ों लोगों ने वोटिंग किया, किसी ने एक कहा कि मैंने अमुक एक उम्मीदवार का सामने का बटन दबाया था और दूसरी कोई निशानी आ गई? क्या कोई भी हरिका लाल सामने आया है इस बात करने के लिए? कोई भी नहीं आया, मगर इनको तकलीफ है क्योंकि इनका जो था मोदी जी को हटाना वो सक्सेसफुल नहीं हुए और इसीलिए ये सब अब बात कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको देश का कोर्ट मान्य नहीं, इनको देश का इलेक्शन कमीशन मान्य नहीं, इनको कोई भी मान्य नहीं है, और विपक्ष विदेश में जाके देश के बारे में बुरा भला कहना, देश को बदनाम करना, और इनकी जो फॉरेन एजेंसीज है वो सारा यहां पर देश को देश के बारे में बुरा भरा कहने में ये सब नैरेटिव सेट करना, यही इनका काम है। बोलिए आनंद दुबे जी, वो कह रहे मोदी को हटाना मकसद था, जब इसमें कामयाबी नहीं मिली तो अब 10 बहाने चुनकर लेकर आएंगे ये लोग। बात हो रही है यहाँ एक सीट पर जहां धांधली हुई है, अगर कोई अन्याय हुआ, अगर अन्याय के खिलाफ हमने आवाज उठाई है तो हमें आश्वासन देने की बजाय हम पर तंज तो कोर्ट में जाइए ना, आप कोर्ट में जाइए, आपको कोर्ट आनंद दुबे आप कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट के नतीजे का कोर्ट के इंतजार कीजिए ना, आप कोर्ट गए, एक प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, उनको प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आनंद दुबे जी को बोल लेने दीजिए, बोलिए आनंद जी। सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा है,
तुम सच को झूठ लिख सकते हो क्योंकि अखबार भी तुम्हारा है। हम तो यही कहेंगे कोई बात नहीं, समय लगेगा। जैसे चंडीगढ़ में न्याय मिला वैसे उत्तर पश्चिम में भी न्याय मिलेगा। सामना में क्या लिखा है? याद रखना, सामना के संपादक को इस्तीफा देना चाहिए। वो संपादक वोटों से उनका उम्मीदवार हारा है, उनका दर्द बढ़ा है। मनीषा जी एक बार सुन लीजिए, मनीषा जी प्लीज। सामना का तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए। आनंद दुबे जी सामना का तो ठीक है, मनीषा जी ओके, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए। एक बार ऐसी झूठी बातें लिखने के लिए चूर हो गए हैं चित्रा जी, ये लोग अहंकार क्या बोल रहे हैं? सरकार लोगों को लोगों की मनीषा जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, ये तरीका नहीं हो सकता ना। प्लीज मनीषा जी अब उनकी बारी है, उनको बोलने दीजिए। चित्रा जी एक विशेष ठीक है चलिए, हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को 48 वोटों से क्यों हराया गया जबकि वही व्यक्ति दो घंटा पहले 2200 वोटों से चुनाव जीत गया था। कैसे मोबाइल अंदर गया, कैसे वहां पर जो पोस्टल वोटिंग की काउंटिंग के समय के सीसीटीवी हमें नहीं दिए जा रहे? अगर हम इसकी मांग करते हैं तो हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी कहा हूं फिर कह रहा हूं, अधर्म का जीवन बहुत ज्यादा नहीं होता। तो न्याय कोर्ट में मिलेगा ना, बहुत देर नहीं चलती, मिलेगी लेकिन आपको कोर्ट जाना चाहिए। देखिए अगर अगर मैं बीच में बोलूंगा तो आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगी, मैं उस लेवल की डिबेट नहीं करता हूं। मनीषा जी मेरी एक गरिमा है, मेरी गरिमा बनाए रखिए, मुझे मेरी गरिमा नीचे करने पर मत लाइए प्लीज प्लीज। मेरा कहना है कि चित्रा जी अगर हम मांग कर रहे हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेज दिया जाए और 6 महीने के बाद अगर हम इस न्यायालय प्रक्रिया में जीत जाएंगे और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे देगा कि हाँ 4 जून के दिन धांधली हुई थी, अमोल कीर्तिकर को विजयी घोषित किया जाए, तो ये जो आज यहाँ मोहम्मद अमीन साहब बैठे हैं बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, मोहम्मद अमीन साहब आप तब क्या कहेंगे? आप तो यही कहेंगे ना, अरे भाई कोर्ट के आगे तो हम नहीं जा सकते, हमने पूरे चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया है, हमने कहा है कि कुछ गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों की हरकत की वजह से हमारे उम्मीदवार को हराया गया, इसमें कौन लोग शामिल है? दिक्कत ये है ना कि इंडिया गठबंधन के आपके जो सहयोगी दल है उनकी बात सुनकर राहुल गांधी कह रहे हैं भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, खुद 2 जगह से चुनाव लड़कर जीत कर वो आए हुए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं ईवीएम की जिद के पीछे, अरे इंडिया गठबंधन के आनंद दुबे जी आप हिस्सा है, इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा और एनडीए को कम सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया, तो यकीनन आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आनंद दुबे जी आपका भी सवाल वाजिब है, मुझे लग रहा है शिवम दुबे जी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई वैज्ञानिक नहीं है। शिवम त्यागी जी अपनी बात रखना चाहते हैं, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। वो न्याय चाहते हैं, वो चाहते हैं सीसीटीवी फुटेज मिले और उनको यकीन है कि 6 महीने के बाद ही सही कोर्ट से उनको न्याय मिल जाएगा। इस देश में 22 सीटें ऐसी हैं जो 10,000 से ज्यादा कम के मार्जिन से जीती गई हैं। अगर कांग्रेस के अधूर प्रकाश की बात करूं तो वह 664 वोटों से जीते हैं। अगर चंडीगढ़ के मनीष तिवारी की बात करूं तो 2,504 वोटों से जीते हैं। अगर हमीरपुर के सपा के राजेंद्र लोधी की बात करूं तो 2,629 से जीते हैं। 10,000 से कम से जीतने वाले कल सारे कैंडिडेट खड़े होकर आकर ये कह दें पक्ष या विपक्ष में से किसी के भी के हमारे साथ धांधली हुई है, बेईमानी हुई है, तो मान लेंगे क्या? एक और चीज यहां पर महत्वपूर्ण है, ऑपोजिशन सारी सीटें ऑपोजिशन की बताई है मैंने, अब बीच में मत बोली, अभी तो आपको दिक्कत हो रही थी। थैंक यू। दूसरी बात, अगर विषय जहां तक इन्होंने एक और बात कही गई, इससे पहले आनंद दुबे ने कहा कि किस तरीके से चुनाव आयोग की स्थिति रखी गई चंडीगढ़ में देखा हमने, कृपया करके थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो कोई बुराई नहीं हो जाएगी। जो मेयर के चुनाव है वो कार्यकारी के नगर निगम के आयुक्त के तहत आते हैं, वहां पर चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं है, जो स्थितियां हुई थी वो चुनाव आयोग से लेने देने नहीं थी। अब अंत में आता हूं, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाया, आप भी उठाइए, कोई परेशानी नहीं है, और आपने उठाया भी, उसके क्लैरिफिकेशन में इलेक्शन कमीशन ने आपको बुलाया भी, आप वहां पर भी सैटिस्फाई नहीं हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, वहां पर भी आपको टिप्पणियां देखने की मिली। अब आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं हो तो कुछ भी सकता है, हम रिमोट को ऐसे मार देते हैं तो वो भी टीवी। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद आज तक की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ईवीएम को लेकर समय समय पर जो विपक्ष में होता है वो सवाल पूछता है, चाहे वो बीजेपी रही हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या फिर वो क्षेत्रीय दल हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि 2004 से ही लगातार ईवीएम के जरिए ही मतदान हो रहे हैं देश में लोकसभा के, जिनमें 2 बार कांग्रेस पार्टी ने यूपीए के जरिए अपनी सरकार बबनाई तो बीजेपी ने एनडीए के जरिए पिछले 3 बार से अपनी सरकार बनाई है। देश में कई बार ऐसा हो गया, अखिलेश यादव की ओर से बैलेट पेपर की मांग की जा रही है, जबकि 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब वो पहली बार बने थे और पहली बार समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली थी तो 2012 में भी ईवीएम से ही चुनाव हुए थे।
बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष में बैठते ही ईवीएम को लेकर तमाम नेताओं के सुर क्यों बदल जाते हैं। वैसे चुनाव आयोग की भी ये जिम्मेदारी है कि पारदर्शिता अगर है तो वो दिखनी भी चाहिए। आगे इस पूरे मामले में क्या होता है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।